हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में जो है बिहार DLED के फर्स्ट ईयर के भाईबा के ऊपर बात कर लेते हैं, उनके असाइनमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं, साथ ही साथ जो इंटरनल नंबर है वह कैसे बेटर लाएंगे इसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके जो है एग्ज़ाम के डेट भी आ गए हैं, आपके एग्ज़ाम के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, साथ ही साथ आपको जो है ACP आपका कंप्लीट भी हो चुका होगा और कितने लोगों का अभी चल भी रहा है। तो आप जो है अपना इंटरनल मार्क्स जो है कैसे बेहतर कर सकते हैं ताकि आपके जो एक्सटर्नल मार्क्स मिले और इंटरनल मार्क्स अच्छा हो तो आपका परसेंटेज हाई आ पाए और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें जो है प्रश्न यह पूछे जा रहे थे कि जो भाईबा होता है क्या वो फर्स्ट ईयर में होता है कि नहीं होता है। सेकेंड ईयर के लिए मैंने वीडियो स्पेशल बनाया है, जिन बच्चों के सेकेंड ईयर की भाईबा है तो उनको मैं बता दूं कि सेकेंड ईयर में आपका भाईबा होता है, 100% होगा। फर्स्ट ईयर वाले भाईबा के लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए, कुछ जो आपके कॉलेज है, जो डाइट कुछ कॉलेज है जहाँ पर जो है फर्स्ट ईयर में भी जो है आपको भाईबा लिए जाते हैं, कुछ ऐसे कॉलेज है जहाँ पर जो है असाइनमेंट के तौर पर आपको नंबर दिए जाते हैं, कुछ ऐसे प्राइवेट संस्था है जहाँ पर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आपको नंबर दिए जाते हैं, इसको आप इग्नोर करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपका जो फर्स्ट ईयर के भाईबा है वह होते हैं बहुत जगह, कुछ जगह जो होता है आपको असाइनमेंट या आपका इंटरनल एग्जाम लेकर जो है आपका इंटरनल नंबर दिया जाता है। कितने बच्चों का आपका इंटरनल एग्जाम हुआ होगा, कितने लोगों ने असाइनमेंट जमा किया होगा, कितने लोगों का भाईबा होने वाला है होगा, तो इसमें जो है प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं इसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया हूँ, ताकि आप सभी लोगों को किसी तरह की जो है दिक्कत या तकलीफ या परेशानी ना हो कि आपको जो है भाईबा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको कैसे आंसर देना है। तो जैसे देखें, यहाँ पर पहला आपका जो यहाँ पर सवाल है कि फर्स्ट ईयर में भाईबा होता है या नहीं, पहला यह सवाल था कि फर्स्ट ईयर में क्या भाईबा होता है या नहीं। तो मैं आपको बता दिया, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि बहुत सारे कॉलेज है जहां पर भाईबा लिया जाता है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहां पर भाईबा नहीं लिया जाता है, वहां पर जो है इंटरनल एग्जाम लेकर या असाइनमेंट को लेकर या आपको जो है ओरली प्रश्न पूछकर जो भाईबा के अंतर्गत ही आता है इस तरह से लिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको प्रश्न कहां से पूछेंगे और किस तरह से आपको भाईबा का जो एग्जाम होगा देना है। तो आप इसका पहला का आंसर क्लियर हो गया होगा, जिन बच्चों ने यह सवाल पूछा था कि क्या भाईबा होता है कि नहीं होता है, तो इसका आंसर दोनों होगा, कहीं कहीं होता है कहीं कहीं नहीं होता है। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न जो है, भाईबा में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भाईबा जो होता है इसमें प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आप भाईबा देने जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रश्न है वह कहाँ से पूछा जा रहा है, ताकि अपनी अपनी तैयारी जो है बेहतर से आप कर सके या आप जो है जब भाईबा दे तो आपको वहां पर किसी तरह की दिक्कत या परेशानी ना हो। तो देखिए, भाईबा का जो प्रश्न होता है वो आपका जो होता है सिलेबस के ऊपर आधारित होता है, ना कि अदर एक्टिविटी के ऊपर आधारित होता है। जो भाईबा होता है वो आपका जो होता है 95% जो आपका प्रश्न होता है वो आपका सिलेबस से पूछा जाता है, 5% जो क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होता है, जो कि शिक्षा से ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, शिक्षा से ही रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अभी NEP 2020 आया हुआ है, जो आपका एजुकेशन न्यू पॉलिसी आया है 2020, तो 2020, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि इसमें क्या मतलब कहा गया है, किस चीज के ऊपर जो है जोर दिया गया है, कितने लोगों ने आप लोगों ने सर्वे किया होगा NEP 2020 का, तो आप सभी लोगों को पता होगा। तो ये भाईबा का जो प्रश्न होता है या आपका जो होता है 95% जो होता है आपका सिलेबस से पूछा जाता है, 95% सिलेबस से, और 5% जो होता है अदर पूछा जाता है, याद रखेंगे 95% जो होता है आपका सिलेबस होते हैं और 5% जो होते हैं आपका अदर से पूछा जाता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि भाईबा में जो क्वेश्चन होते हैं कहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट के ऊपर। तो जैसे देखें, असाइनमेंट क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेज में मिल गए हैं, बहुत सारे कॉलेज में मिल रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारी जगह जो है भाईबा भी हो रहे हैं, बहुत सारा इंटरनल एग्जाम ले लिया गया। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा तो आपको मैं बता दूं, या पढ़ रहे हैं अभी, तो कि आपका जो है इंटरनल एग्जाम बहुत जगह हुआ होगा, उसी इंटरनल आधार के जो है
आपको जो है इवेल्युएशन किया जाएगा, आपका जो है आकलन और मूल्यांकन कर जो है आपका इंटरनल नंबर दिया जाएगा, क्योंकि इंटरनल नंबर जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। आपको मैं बता दूं कि ACP 1 में जो होता है आपका 100 मार्क्स होता है, बाकी जो है सब सब्जेक्ट में आपका जो होता है 30 नंबर जो इंटरनल होता है आपका F1 से लेकर आपका F4 तक का होता है, और आपका F11 और F12 में जो होता है 60-60 नंबर इंटरनल होते हैं, बाकी आपका F5 से लेकर F9 तक जो होते हैं आपका 15-15 नंबर जो होते हैं आपका इंटरनल होते हैं। यह आप समझ ले, जो आपका ACP 1 होता है यह आपका 100 नंबर का होता है, आपका 30 नंबर जो होता है F1 से लेकर F4 पेपर का इंटरनल नंबर होता है, और आपका F11 और F12 का जो इंटरनल नंबर होता है वो 60-60 नंबर का होता है, और यह आपका जो है F5 से लेकर F9 तक जो होता है टोटल आपका 15-15 नंबर इंटरनल होते हैं। तो अब इंटरनल में बेहतर जो है आपको कैसे करना है असाइनमेंट, क्योंकि आपका जो इंटरनल मार्क्स मिलता है वो आपको मैंने सब पहलुओं को मैं बताया कि कहीं जगह जो होता है आपको इवेल्युएशन जो होता है आपके लिखावट के ऊपर, राइटिंग लिखावट के ऊपर कर लिया जाता है, मतलब कि असाइनमेंट के तौर पर कर लिया जाता है, कहीं कहीं जो होता है आपका वाइवा प्लस असाइनमेंट लिया जाता है, कहीं कहीं होता है कि आपका इंटरनल एग्जाम लिया जाता है, तब जाकर जो है आपका इंटरनल नंबर दिया जाता है। तो मैंने सभी चीज़ों को बताया है, जैसे पहला देखें असाइनमेंट यहाँ पर हो गया, उसके बाद आपका वाइवा हो गया, ये दोनों को मिलाकर जो होता है इंटरनल नंबर दिया जाता है। आपको असाइनमेंट तो बनाना ही है, साथ ही साथ आपको वाइवा भी देना है, साथ ही साथ कहीं कहीं तो आपको असाइनमेंट वाइवा प्लस एग्जाम ये तीनों चीज का जो है प्रावधान चल रहे हैं। ये तीनों चीज लेने के बाद जो है आपको इंटरनल नंबर देंगे, कहीं कहीं आपका सीधे इंटरनल एग्जाम हो रहा है, उसी के आधार पर जो है आपको इंटरनल नंबर दिया जा रहा है। तो जो ये वाइवा के प्रश्न थे कि क्या फर्स्ट ईयर में वाइवा होते हैं कि नहीं होते हैं, मैंने सभी चीजों को लेकर वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप सभी लोगों के जो भी मन में प्रश्न क्रिएट होंगे वो सभी सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। अब जो आता है कि आपका जो वाइवा का प्रश्न होता है यह कहां से पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो प्रश्न होता है 95% आपके सिलेबस से होते हैं। तो सिलेबस जो होता है आपका F1 से लेकर F12 तक का होता है, F1 से लेकर जो होता है आपका F12 होता है, जो कि पेपर क्वेश्चन होते हैं और प्लस नोट्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको F1 में पढ़ना है समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ के बारे में, तो इससे क्या होता है कि जैसे कोई टॉपिक के बारे में आपसे पूछ लिया गया कि समाजीकरण क्या है, या जो भी आपका ज्ञान हो गया, जो शिक्षा है, समाज है, जॉन डीवी के सिद्धांत हो गए, ये सब प्रश्न जो है यहाँ से क्रिएट हो सकते हैं। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या में अंतर पूछा जा सकता है। फिर इसी तरह आपका F2 हो गया, उसमें जो है आपको बाल विकास शिक्षा के बारे में पढ़ना है, तो बाल विकास का आयाम क्या है, कारक क्या है, प्रभाव करने वाले कारक क्या है। F3 में आपको पढ़ना है, F4 में आपको पढ़ना है प्रबंधन के बारे में, विद्यालय की मीना मंच, बाल संसद, ये सब चीज़ें के बारे में जो है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। F6 में जब आते हैं तो आपको, F5 में आएंगे तो हिंदी से पूछा जाएगा, F6 में आएंगे तो आपको जो है वहाँ पर जो आपके समावेशी शिक्षा है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। F6 में जो है आपको, F7 में जो है आपको गणित से रिलेटेड प्रश्न पूछ लेंगे कि दैनिक जीवन में बच्चों को अगर गणित की अवधारणा विकसित करनी हो तो आप कैसे करेंगे, ये प्रश्न क्रिएट हो सकता है। फिर आपका F7 आता है, गणित आ गया, F8 आ गया, F9 आ गया, इंग्लिश आ जाएंगे, F10 आ जाएंगे पर्यावरण, F11 कला समेकित शिक्षा को कैसे जो है आप रूपांतरित करते हुए किसी भी विषय को पढ़ाएंगे, F12 आपका आ गया ICT, जो कि शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी है, तो आप किस तरह से प्रयोग करके जो है बच्चों को पढ़ाएंगे प्राथमिक स्तर पर सूचना एवं संचार तकनीकी का, या शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी की अवधारणा या उसका महत्व या उसका विशेषता क्या है। ये सभी प्रश्न जो आते हैं आपको F1 से लेकर F12 के पेपर क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपसे वो पूछ लेंगे। ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछते हैं, मात्र आपसे 2 या 3 प्रश्न पूछेंगे, लेकिन ज़्यादा प्रश्न जो जहाँ से पूछा जाता है वही अब हम आने वाले हैं टॉपिक के ऊपर। ये तो आपका पेपर हो गया, पेपर से प्रश्न 1 पूछेंगे 2 पूछेंगे, लेकिन जो ज़्यादा प्रश्न होता है ये नीचे वाले से पूछा जाता है, जो कि आपका ACP 1 से रिलेटेड होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको बारीकी से समझेंगे। जैसे देख लें यहाँ पर ACP 1 जो होता है आपका रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ACP 1 से रिलेटेड प्रश्न यह होते हैं कि जो आप ACP 1 में जो आपने जितना भी फाइल बनाया है सबसे रिलेटेड प्रश्न पूछ लेंगे कि आपने एक्सेल रिसर्च बनाया है तो उसका उद्देश्य क्या है, वह क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने कैसे बनाया, किस विधि से बनाया, कैसे बनाया, इससे प्रश्न पूछे आते हैं। एक्शन रिसर्च का उद्देश्य क्या है, तो आप जरूरी सबको पढ़ लेंगे अगर आपके स्कूल में आपके अगर किया होगा एक्शन रिसर्च सही में,
तो आपको वाइवा में किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। नहीं तो आप अपने वाइवा के लिए जो है प्रिपेयर कर ले, इसके सारे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो है जरूर आप पढ़ ले। आगे बढ़ते, देखिए एक्शन रिसर्च कहने का अर्थ है कि एक्शन रिसर्च के बारे में आप जान लें कि एक्शन रिसर्च क्यों जरूरी है, क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सभी चीजों को जो है आप पढ़ लेंगे। देखिए विद्यालय उन्नयन योजना, विद्यालय उन्नयन योजना का महत्व क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, इस तरह से प्रश्न पूछ लेंगे। तो विद्यालय उन्नयन योजना आपको पता है कि विद्यालय के उत्थान या कल्याण के लिए जो आप कार्य करते हैं ACP 1 के दौरान, उसी को विद्यालय उन्नयन योजना के तहत माना जाता है। इस तरह अवलोकन हो जाएगा कि अगर किसी विषय को अगर कक्षा कक्ष में आप पढ़ा रहे हैं, अपने साथ आपके साथ ही पढ़ा रहे हैं, तो आप किस तरह अवलोकन करेंगे, अवलोकन में किस किस बिंदु का प्रयोग करेंगे, ये वाइवा का प्रश्न है। जो कि जो बच्चे वाइवा दे चुके हैं उनसे एक्सपीरियंस लिया हुआ बच्चों से मैंने ये सवाल क्रिएट किया और ये सभी चीजें जो है मैं आपके सामने ला रहा हूँ, कोई यहाँ पर गलत चीजें नहीं बताई जा रही, यही चीजें जो होगी आपका वाइवा में पूछे जाएंगे। अगला जो है बच्चों से बातचीत का विश्लेषण। देखिए बच्चों से बातचीत का विश्लेषण का महत्व क्या है, इसका अर्थ क्या है, क्यों विद्यालय में बच्चों से बातचीत विश्लेषण किया जाता है। तो आप सभी लोगों ने ACP 1 किया है, इस आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा, आपके मेंटर या आपके जो शिक्षक होंगे कॉलेज को आप सभी लोगों को बताए होंगे चारों के बारे में। मैंने भी जो है इसके ऊपर वीडियो बनाया है, आपने देखा भी होगा। तो बस आप सभी लोगों से मैं बता दूं कि यही सब जो प्रश्न होते हैं इसी तरह जो है आपके वाइवा में पूछे जाते हैं। अब जो आता है वाइवा में, एक और महत्वपूर्ण दो चीज़ आ जाते हैं जो कि फर्स्ट ईयर में नहीं होते हैं, फिर भी जो है कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, वो मैं आपको बता दूं। पहला जो चीज़ होता है वो आपका होता है लेसन प्लान या लर्निंग प्लान, इसे हम लोग बोलते हैं पाठ योजना, पाठ योजना। अब हम लोग इसे जो है लर्निंग प्लान बोलते हैं, सीखने सिखाने की जो विधि होती है लर्निंग प्लान या प्रक्रिया। तो इससे प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाना हो तो लर्निंग प्लान कैसे बनाएंगे। आपने फर्स्ट ईयर में जो है F10 पेपर में आपको पता होगा कि उसमें लर्निंग प्लान का थोड़ी सी जिक्र की गई है, उसमें आपने पढ़ा भी होगा, तो इससे प्रश्न पूछ लेंगे। साथ ही साथ आपको एक और महत्वपूर्ण मैं बता दूं कि एक आपका आता है माइक्रो टीचिंग, जो मैं आपको बता दूं माइक्रो टीचिंग जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। तो ये कैसे होता है माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग जैसे कहने का अर्थ है कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ बोर्ड के सामने, तो आप जो है कैसे पढ़ाएंगे, तो इसके लिए आपसे कुछ पूछ लेगा या आपको टॉपिक दे देगा कि आप 2 मिनट पढ़ा के बताएं कैसे पढ़ाएंगे, आपके अंदर हेजिटेशन ना हो। माइक्रो टीचिंग का बहुत बड़ा पार्ट होता है, इसके लिए आपको सबसे पहले इसका जितने भी स्किल होते हैं वो सभी सीखने पड़ेंगे। स्किल मतलब कि जो भी कार्य करते हैं उसका तौर तरीका होता है, इसीलिए माइक्रो टीचिंग स्किल भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति आकर बोर्ड पर पढ़ाना शुरू कर देगा, ये संभव नहीं है। सभी के अंदर हेजिटेशन होता है, सबसे पहले उसी को दूर करना होता है, तब जाकर जो है कोई इंसान यहाँ पर आकर पढ़ा सकता है। क्योंकि आपको क्या पता कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कहीं गलती ना हो जाए, कोई बच्चा क्या सोच रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ, पीछे कोई बच्चा हल्ला कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है, या मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे डर मन में होते हैं। शिक्षक बनना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी लोग जरूर बनेंगे अगर आप जीवन प्रयत्न जो प्रक्रिया होती है विकास की वृद्धि की, तो उसी तरह जो भी आप हमेशा अपनी तैयारी करते रहेंगे, मतलब सतत लगे रहेंगे, तो आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। देखिए मैं आपको बता दिया कि आपको जो है फर्स्ट ईयर में वाइवा कैसे देना है। थोड़ी सी मेरी आवाज़ में आपको प्रॉब्लम दिखेगी, मैं आप धीरे बोल रहा हूँ आज, क्योंकि आज मैं थक चुका हूँ, गर्मी ज़्यादा है और थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी। आगे देखते हैं, देखिए ये आपका जो है तौर तरीका है मतलब आपको वाइवा देने का। तो जिन बच्चों ने यह प्रश्न पूछा था कि वाइवा कैसे दे, उनका ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक और अंत में आपको मैं बता दूं कि इसके बाद जो है आपको गेस्ट पेपर F1 पेपर का मिलने वाला है, जो कि आप जरूर देखेंगे, और कल से जो है गेस्ट पेपर आपको रेगुलर बेसिस पर मिलेंगे। धन्यवाद।